सर। यस यस कमिंग कमिंग, आइए आइए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रियंका कुमार जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? जी सर, मैं मुंगेर से सर। मुंगेर से आ रहे हैं। मुंगेर में कुछ ऐसे साइट्स हैं, कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का भी है, कुछ टूरिस्ट टूरिज्म के भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, है ना? तो केवल आप नाम बता दीजिए। जी सर, यहाँ टूरिज्म और हिस्टोरिकल दोनों ही प्लेस मौजूद है सर। अगर प्राकृतिक तौर पे अगर बात की जाए तो सर, प्रकृति के गोद में बसा हुआ यहाँ भीम बांध बहुत प्रमुख है, खड़गपुर झील है, काली पहाड़ी है। इसके अलावा सर, अगर हिस्टोरिकल बात की जाए तो सर, यहाँ मीर कासिम द्वारा बनवाया गया किला मौजूद है सर। अच्छा, उस किला की कुछ खास विशेषताएं भी हम लोगों ने सुनी है, क्या बता सकते हैं कौन सी खास विशेषता है उसकी? मुझे आइडिया नहीं है सर। उसमें एक सुरंग है जो गंगा नदी की तरफ निकलता है ना? यस सर, स्पेशल केसेस में वहां से रेस्क्यू करने का एक साधन है। अच्छा बताइए कि ब्रिटेन में जो नए महामहिम राष्ट्राध्यक्ष बनाए गए हैं, पर नाम भी आप सुने होंगे और नई प्रधानमंत्री भी बनी है, उससे क्या लगता है भारत का संबंध किस प्रकार से बेहतर हो सकता है? क्या लगता है संभावनाएं हैं? जी सर, ये बिल्कुल संभावनाएं हैं सर भारत के साथ बेहतर संबंध होने की, क्योंकि जो नव निर्वाचित वहाँ की प्रधानमंत्री लेडी हैं लीज ट्रस, उन्होंने भी भारत के साथ संबंध अच्छे होने की बात कही है, जो एक भारत के साथ संबंध होने की सकारात्मक ओर को दर्शाता है। और साथ ही साथ वहाँ के जो नए राजा चार्ल्स तृतीय का जो ताजपोशी हुआ है, उन्होंने भी इस संबंध में बताया है कि भारत हमारे काफी पुराने मित्र रहे हैं और हमारा उनके साथ अच्छा संबंध रहा है। और बताइए, अभी एक और न्यूज है इस तरह का, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है ना, इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय भाग लेने जा रहे हैं, ये बैठक कहाँ होने वाली है? सॉरी सर, इसके विषय में मुझे याद नहीं आ पा रहा है सर। शंघाई सहयोग संगठन, कौन कौन देश है इसमें शंघाई सहयोग संगठन? सर इसमें मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट आते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत इत्यादि प्रमुख देश हैं सर। ज्ञान वापी के बारे में आप तो सुने होंगे, ज्ञान वापी का मुद्दा क्या है और आज उसमें कोर्ट का डिसीजन आने वाला था, आपने देखा है सुना है? जी सर, ये ज्ञान व्यापी मुद्दा मुख्य रूप से सर धार्मिक भावनाओं पे भी आधारित है सर। और ये सर यूपी के बनारस का मामला है, जहाँ एक ज्ञान व्यापी मस्जिद है और इसमें दो पक्षों द्वारा दलील दी जाती है, जैसे हिंदू पक्ष, और हिंदू पक्ष कहता है कि वो पहले एक मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब ने इसको तुड़वा कर वहाँ मस्जिद बनवा दिया है, और मुस्लिम पक्ष ये मानता है कि यहाँ शुरुआत से ही मस्जिद है और वो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ दूसरे पक्ष द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है और इसके लिए अदालत में पिटीशन भी दायर की गई है। और इसमें हिंदू पक्ष सर। बताइए, आज हमने अखबार में पढ़ा था कि 3 वर्ष पहले कोई व्यक्ति ने जेब्रा क्रॉसिंग को पार किया था, है ना, और अब उस पर चालान काटा जा रहा, दिया जा रहा, तो ये कहाँ तक सही लगता है? सर जिस टाइम जिस व्यक्ति ने गलती किया, चालान उसी टाइम उसका हो गया था, बशर्ते उन्होंने उस चालान को भरा नहीं था। इसके सर कुछ कारण थे, जैसे ई चालान की सुविधा जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, उसमें उस व्यक्ति को उसके संबंधित जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस आरटीओ में, उसके माध्यम से उसे चालान की जानकारी दे दी जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस टाइम वाहन उन्होंने खरीदा था, जो नंबर डाला था वहां पे आरटीओ में या डीटीओ में,
उन्होंने उस नंबर को बदल लिया, उनके कई कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो उन्हें उस चीज की अच्छा जानकारी नहीं मिल अच्छा और पाई। बताइए कि अभी हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में 75 जिलों में शुरू हो रही है डायरेक्ट ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डीबीयू शुरू हो रहा है, डिजिटल यस सर, बैंकिंग यूनिट। बिहार का कोई जिला है क्या, पता है आपको? नहीं सर, इसमें नहीं सर, इसमें बिहार के कोई जिला को नहीं चुना गया है सर। अच्छा, क्या आधार है इसको जिले को चुनने, कुछ जानते सॉरी सर, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है सर। हैं? अच्छा, बताइए कि ESI ग्रुप में आपका सिलेक्शन होता है, मान लीजिए कि कोई बारात गुजर रही है और आपका चेक पोस्ट वहां पर है, बहुत सारी भीड़ भाड़ लगी हुई है, गाड़ियां वहां लगी हुई है, जिसमें बारात बहुत ढेर सारे आदमी उसमें हैं आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है वहां थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, या आपको चेक पोस्ट पे काम करने में कठिनाई होती है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? सर अगर बारात वहाँ से गुजरती है और अगर उसके वाहनों में अगर कोई चीज़ की कमी होती है, तो मैं उसके लिए जो भी एमवी एक्ट के तहत हमें जो अधिकार दिए जाते हैं, मैं उनका पालन करते हुए उन वाहनों की जांच करूंगा। और अगर अच्छा, उसमें दूल्हा या दुल्हन की भी गाड़ियाँ उसके जांच के दौरान उसकी गाड़ियों में भी अगर कोई कमी पाई जाती है, तो जो माध्यम है सर ई चालान का, मैं वो ई चालान कर उन्हें बारात के जांच बारे में पूछना है ना कि बारात जब जा रही है वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो रहा है, क्या करेंगे? हो गया, तो मैं उसका जवाब सर अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस विषय से ऑनर्स किए हैं? सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल को साइंस क्यों बोलता सर साइंस जो है सर तथ्यों पे आधारित होता है, जिसमें एक निरंतरता का भाव होता है और उसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, उस नियम को ही फॉलो किया जाता है। उसी की तरह राजनीति विज्ञान में भी निरंतरता का भाव हमें देखने को मिलता है और क्रमबद्ध विकास होता है, और इसमें कुछ भविष्यवाणी भी किया जाता है, इस वजह से इसे सर साइंस माना जाता है। अच्छा सर, 1 मिनट आप वेट। हाँ, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, कुछ पढ़ा है सिद्धांतों को? जी सर, इसमें राज्य की उत्पत्ति के भी सिद्धांत दिए गए हैं सर, और जिसमें व्यक्तिगत सिद्धांत, ये व्यक्तिवाद एक टर्म उपनिवेशवाद। आता है, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद क्या है? जी सर, सर व्यक्तिवाद में राज्य और व्यक्ति में व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है। इसमें राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना जाता है। इसमें व्यक्तियों के स्वतंत्रता की बात की गई है, और इस यह सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पे ही जोर देता है, और यह मानता है कि व्यक्ति उस राज्य में ठीक है, अभी हमारे उसे यहाँ एक स्वतंत्रता पे लोक कोई कल्याण, पाबंदी नहीं ठीक होनी चाहिए। है, हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ना? यस सर, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याण से संबंधित प्रावधान किए गए? सर मैं 37 और 38 में सर कंफ्यूज। आई थिंक सर 37। अच्छा, तो व्यक्तिवाद की अवधारणा हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में है, आज के समय में जब लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा है, तो व्यक्तिवाद किस तरह से उचित? सर व्यक्तिवाद हमें मौलिक अधिकारों की ओर इशारा करता है सर, और उस आधार पे हम कह सकते हैं सर व्यक्तिवाद भी जरूरी है। अच्छा, एक विधेयक संसद में पास हो जाता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सर अगर वह राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, लोकसभा विघटित होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति दे सकते हैं। राज्यसभा से भी पास हो जाता है, लेकिन इसी बीच नए गवर्नमेंट का फॉर्म हो जाता है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देती है कि जो बिल पास हो गया उसे आप अनुमति न दें, तो क्या राज्यपाल बाध्य है अनुमति देने के लिए या नहीं देने के लिए?
नहीं सर, उसमें राष्ट्रपति द्वारा वीटो का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से वह अच्छी जी बाध्य उन पे लागू नहीं होता है कि आपको पास करना ही है, वो स्वतः भी समाप्त हो सकता है अगर राष्ट्रपति जी द्वारा अपने वीटो का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्यों नहीं अपनाया गया? सर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सर वहाँ की शासन व्यवस्था में डायरेक्ट लोगों के प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि के द्वारा शासन नहीं किया जाता है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति वहाँ के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्र के, और वह ठीक है अपने वो समझ मंत्रिमंडल गया, की। लेकिन ऐसा भारत में क्यों नहीं किया गया, संसदीय व्यवस्था क्यों की गई? सॉरी सर, इसके विषय में अभी याद नहीं आ पा रहा है सर। इंग्लैंड के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अच्छा हमें ये बताइए कि 73rd और 74th अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में जानते हैं, क्या है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट? 73rd सर पंचायती राज से संबंधित है और 74th सर नगर निगम से संबंधित है सर। अच्छा ये 73rd जो है इसमें जिला परिषद जो बात कही गई है और 74th में नगर निगम, ये क्या होते हैं जिला परिषद और नगर निगम? सर पंचायती राज के सबसे उच्च स्तर जो जिला स्तर पे होता है सर उसे जिला परिषद कहा जाता है। अच्छा क्योंकि क्या भूमिका होती है इनकी, रोल क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी सर इसके विषय में अभी याद नहीं आ पा रहा सर। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा भारत में जो है स्वतंत्रता के समय एक असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस आंदोलन का क्या प्रभाव था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में बता सकते हैं? सर सविनय अवज्ञा आंदोलन सर, नहीं असहयोग आंदोलन वो तो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जी सर सविनय, सॉरी सर क्वेश्चन सर रिपीट कर दीजिए फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया था वो असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रभाव पड़ा, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से सर अंग्रेजों को सहयोग ना देने से संबंधित था। इसमें भारतीयों से गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया था कि आप अंग्रेजों को सहयोग ना दें, इससे उनकी शक्ति जो है सामरिक तौर पे थोड़ी कमजोर होगी, जिस वजह से सर इस चीज का स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा सर। अच्छा एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो है ग्रुप 20 की बैठक होने वाली है, ये ग्रुप 20 जो है वो क्या है? सर G20 विकासशील देशों का एक समूह है सर। इसमें मुख्य रूप से वे सभी देश शामिल हैं जो अभी विकसित होने की ओर अग्रसर है, और ये आपस में इस संगठन का जो निर्माण किया गया है आपस में आपसी सहयोग, सुरक्षा के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, टेक्नोलॉजी के संबंध में आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है सर। और अच्छा। G20 का सर गठन एग्जैक्ट मुझे सर अभी ये याद नहीं आ पा रहा है। चलिए ठीक है देखिए इंटरव्यू आपका जो हुआ ये फीडबैक है, नॉलेज आपका काफी बढ़िया है और जो बैकग्राउंड पे है वो भी आप जो आपने आंसर दिया वो काफी अच्छा रहा और कॉन्फिडेंस जो भी आपका सही है जो है नॉलेज, सबसे बड़ी बात है कि जो बॉडी लैंग्वेज है जिसमें आपका आपने आंसर दिया जिस वे ऑफ टॉकिंग में वो सब अच्छा है। ठीक है करेंट पे थोड़ा फोकस कीजिए, करेंट को इम्प्रूव कीजिए क्योंकि वहां पे जाएंगे तो आपका बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो करेंट है और जो ESI जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उस पर अपना साउंड अप नॉलेज कीजिए, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, जिससे ग्रेजुएट किया आपने। जी सर।